वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू टेनिस कोचिंग क्लासेज। फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू क्लास 12 जनरल इंग्लिश लेसन 12 द वैल्यू ऑफ मैन, मनुष्य की कीमत। लेसन बताने जा रहा हूँ, रिटन बाय गोविंद झा। दोस्तों, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा जो कि 2020 फर्स्ट में आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस होंगे। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है दोस्तों, तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर सेट कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, बिना देर बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट वाज घासी कंप्लेंट टू द पंचायत। घासी की पंचायत को क्या शिकायत थी? व्हाट वाज घासी कंप्लेंट टू द पंचायत, घासी की पंचायत को क्या शिकायत थी? तो आंसर होगा, पहली बात तो आप इसे क्वेश्चन को ध्यान दें कि व्हाट वाज घासी, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वॉज है, वॉज के बाद घासी आया, तो आपको आंसर घासी से शुरू कर देना है। घासी कंप्लेंट टू द पंचायत, फिर वॉज को बाद में लगा देना है। घासी कंप्लेंट टू द पंचायत वॉज दैट कंचेदी हैड स्टॉलन ही जस, कंचेदी ने उसका गधा चुरा लिया था। घासी की पंचायत में शिकायत थी कि कंचेदी ने उसका गधा चुरा लिया था। कंचेदी हैड स्टॉलन हिज अस। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब इसमें मैं आपको आपके बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डिड घासी लॉस्ट हिज अस, हाउ डिड घासी लॉस्ट हिज अस, घासी ने अपना गधा कैसे खोया? तो वंस अ नाइट, एक बार रात के समय, घासी टाइड ही जस्ट टू मुखिया जी ग्वावर ट्री, घासी ने अपने गधे को मुखिया जी के अमरूद के पेड़ से बांध दिया। वंस अ नाइट घासी टाइड ही जस्ट टू मुखिया जी ग्वावर ट्री, एक बार रात को घासी ने अपने गधे को मुखिया जी के अमरूद के पेड़ से बांध दिया। बट ही वेंट टू देयर इन द नेक्स्ट मॉर्निंग ही डिड नॉट फाइंड हिज अस, ही हैड लॉस्ट हिज अस। जब वह दूसरी सुबह वहां गया तो उसने गधा नहीं पाया, वहां पर गधा नहीं पाया। ही हैड लॉस्ट हिज अस, उसने अपना गधा खो दिया था। ही हैड लॉस्ट हिज अस, अर्थात उसने अपना गधा खो दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, वेयर डिड घासी फाइंड हिज अस, घासी ने अपना गधा कहाँ पाया? घासी फाउंड हिज अस टेथर्ड, TETHERED, टेथर्ड एट कंचेदीज हाउस। घासी फाउंड हिज अस टेथर्ड एट कंचेदीज हाउस, घासी ने अपना गधा कंचेदी के घर पर बंधा पाया। क्वेश्चन है, घासी ने अपना गधा कहाँ पाया? तो घासी फाउंड हिज अस टेथर्ड एट कंचेदीज हाउस, घासी ने अपना गधा कंचेदी के घर पर बंधा पाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर सेवन, What did कंचेदी से ही बीट अप घासी, घासी को पीटने के बारे में कंचेदी ने क्या कहा? What did कंचेदी से ही बीट अप घासी, कंचेदी said that, कंचेदी ने कहा कि घासी try to untie his ass by force, घासी
जबरदस्ती उसके गधे को खोलने घासी ने जबरदस्ती उसके गधे को खोलने की कोशिश की। सो दैट इसलिए ही गैप हिम थ्रेसिंग सो दैट ही गैप हिम थ्रेसिंग इसलिए उसने उसे बुरे तरीके से पीट दिया। थ्रेसिंग मीन्स यहां पर है पीट देना। अब क्वेश्चन नंबर 9 आता है, व्हाई डिड घासी कर्स मास्टर जी, घासी ने मास्टर जी को शाप क्यों दिया, घासी ने मास्टर जी को क्यों कोसा, यहां पर कोसा भी बोल सकते हैं आपने, घासी जी ने मास्टर जी को क्यों कोसा। तो घासी कर्स्ड, चूंकि ये डिड से क्वेश्चन बना है तो कर्स को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, इसमें कर्स में आप डी लगा देते हैं। तो घासी कर्स्ड मास्टर जी, घासी ने मास्टर जी को कोसा बिकॉज मास्टर जी हैड फॉल्स जस्टिफिकेशन, क्योंकि मास्टर जी ने झूठी पहचान करते हुए बोला था। मास्टर जी हैड अ फॉल्स जस्टिफिकेशन एंड टोल्ड अ लाई, और झूठ बोला था, दैट द आस बिलोंग्ड टू द कंछेदी, कि गधा कंछेदी का है। तो आंसर हो गया घासी कर्स्ड मास्टर जी बिकॉज मास्टर जी हैड अ फॉल्स जस्टिफिकेशन एंड टोल्ड अ लाई दैट द अश बिलोंग टू कंछेदी। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इसका देखते हैं। ये जो क्वेश्चन बनेगा दोस्तों वो होगा व्हाई डिड मोहन नेम्ड हिज ट्रक साहब, ये वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। व्हाई डिड मोहन नेम्ड हिज ट्रक साहब, मोहन ने अपने गधे का नाम ट्रक साहब क्यों रखा। तो ही नेम्ड हिज अस, क्यों रखा, यहाँ पर क्वेश्चन अब डिड से बना हुआ है, यानी कि पास्ट का सेंटेंस है। आंसर जब दोगे तो आपको पास्ट फॉर्म में आप बताओगे, डिड से है तो इसका जो वर्ब होगा मोहन के बाद वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर हुआ ही नेम में डी लगा देते, ही नेम्ड हिज अस ट्रक साहब, उसने अपने गधे का नाम ट्रक साहब रखा बिकॉज द अश कुड टेक अ ट्रक ऑफ लोड ऑफ क्लॉथ्स, क्योंकि गधा एक ट्रक भरकर कपड़ों का बोझा लेकर के एंड रन लाइक अ मोटर कार के समान दौड़ सकता था। फिर से देख लें दोस्तों, इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ही नेम्ड हिज अस ट्रक साहब, उसने अपने गधे का नाम ट्रक साहब रखा बिकॉज द अस कुड टेक अ ट्रक लोड ऑफ क्लॉथ, क्योंकि गधा एक ट्रक के समान कपड़े लेकर के रन लाइक अ मोटर कार के समान वो दौड़ सकता था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका लास्ट क्वेश्चन होगा वो, व्हाई डिड द सरपंच से ही कंसीडर्ड एन अस मोर रिलायबल देन अ मैन, सरपंच ने यह क्यों माना कि मनुष्य के बजाय एक गधा ज्यादा विश्वसनीय होता है। द सरपंच सेड सो बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम अ मैन कैन टेल अ लाई बट अस कैन नॉट। द सरपंच सेड दैट, सरपंच ने कहा कि सरपंच ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम उसके अनुसार अ मैन कैन टेल अ लाई, एक मनुष्य झूठ बोल सकता है, बट द अस कैन नॉट, लेकिन गधा नहीं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो दोस्तों बिना देर करते हुए